हमने खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कहीं के एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, आ गए का कैसन हो, बढ़िया हो ना? हम तो देखिए बढ़िया है। आप बोलोगे आंटी का हुआ, मूड लेस रहने लग गई हो, ये कहे ना तबियत ठीक नहीं ना है तो का करे से ऊंचा होके काहे देख रहे हो? अभी हम बोले कि तनिक छुटके ससुर जी रुक जाइए कि हम का है ना दर्शकों को खबर बता रहे, फिर चिंटू हमको ना वो का है कंप्यूटर सिखा रहा है, तो हम बोले बंद हो जाएगा तो तनिक चार्जर लगा देते हैं तो गुस्सा करने लग गए हम पर। तो गुस्सा करेंगे ना, इससे नहीं चलेगा, समझते नहीं हो? हमारे ससुर जी हम पे कभी गुस्सा नहीं किए, हम बता देते हैं। ऐसे ऊंचे होकर देखने से कछु नहीं ना होगा। आप आश्रम देखे हैं? आश्रम वो आश्रम सीरीज देखे हैं? वो की अनुरिता झा जी नहीं है, वो झा मैडम है ना, वो कछु बढ़िया सी बताई है उस सीरीज के बारे में। अभी थर्ड पार्ट आने वाला है ना, तो चलिए पहले वो बताते हैं आपको, बाकी की बातें बाद में करते हैं। अनुरिता झा ने किया बड़ा खुलासा। कहा जब उन्होंने अपने पिता को आश्रम 3 की इंटीमेट सीन के बारे में बताया तो पिता ने कहा हाँ बिंदास करो। जी हाँ, अनुरिता प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम की तीसरी सीजन में फिर से वे कविता के रूप में दिखाई देंगी। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी भूमिका, कैरेक्टर ग्राफ, स्ट्रगल और बहुत कुछ के बारे में बात की है। वहीं आश्रम 3 में एक इंटीमेट सीन फिल्माने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने अपने परिवार को पहले ही सूचित कर दिया है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यह मेरे लिए पहली बार एक इंटीमेट सीन है, मैंने अपने करियर में अब तक ऐसा नहीं किया है। इसे लेने से पहले मैंने अपने पापा को फोन किया और उनसे कहा कि पिताजी ऐसे सीन्स होंगे, क्या मुझे ये करने चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ करो, बिंदास करो। तो मैं ठीक थी। उन्होंने आगे कहा, सीन की शूटिंग आरामदायक थी क्योंकि प्रकाश झा अपने क्राफ्ट के उस्ताद हैं और वह एक अभिनेता के रूप में आप पर भरोसा करते हैं और एनवायरनमेंट को बहुत सेफ बनाते हैं। जब हम शूटिंग कर रहे थे तो 4-5 लोग ही थे, सेट पर ज्यादा लोग नहीं थे। सीन से पहले मेरी प्रकाश झा सर के साथ बात हुई, इस तरह का कोई डर नहीं था कि मैंने चर्चा की, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि यह कैसे करना चाहिए या यह कैसे होगा। साथ ही मुझे ये नहीं पता था कि ये कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर मैं ऑन स्क्रीन से पहले रो चुकी हूँ तो रोना जानती हूँ, लेकिन पर्दे पर इंटीमेट सीन कैसे करूँ? मैंने बस अपनी आकांक्षाओं को उनके साथ शेयर किया और उन्होंने कहा हो जाएगा, आप नहीं चाहते कि इस तरह का सीन अश्लील वर्जन बने। साथ ही मैं बिहार से हूँ, मेरे परिवार में सब बहुत सिंपल हैं और किसी का फिल्मों से कोई संबंध नहीं है। मेरे दिमाग में ये सारी चीजें घूम रही थी। अनुरिता ने कहा कि उनके परिवार, पिता, भाई और भाभी बेहद ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं और हमेशा उन्हें अपनी इच्छानुसार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो कुछ इस तरीके से शेयर की उन्होंने अपने दिल की बातें। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये बात थी दर्शकों की, हमको भी फोन की थी, बोले थी आंटी हम तो हमारे पिताजी को बोले कि हम कोई प्रॉब्लम आ रही है करे ना करे, तो बोले पिताजी तो बड़े हमको सपोर्ट करे। हम बोले बहुत ही बढ़िया, हम तो चिंटू को हम भी वही बोले हैं कि जो भी करो मन से करो, जो पसंद आए ना वो मन से करिएगा। ये फोन उल्टा पड़ा था, फिर रोशनी पड़ती है, फिर छूट के ससुर जी बोलते हैं कि बहू रानी कितनी बार समझाया, बोलते हो ना कि कितनी बार समझाए हैं और नहीं ऐसे रखते हो, तो कहा हमको डांट से बड़ा डर लगता है, हमको कोई डांट देता है दर्शकों तो हम रो जाते हैं, हम बता रहे हैं। तो फिलहाल हम कहा बोल रहे थे, कहा बोलने लग गए, हमारा दिमाग ना आजकल काम नहीं ना कर रहा है, तो फिलहाल हम जाते हैं और नई खबर लेकर आते हैं, पर आप कहीं नहीं ना जाइएगा, आप जरूर से बने रहिएगा आंटी के साथ। जयराम जी की।